जब भी बात क्रिकेट की फील्डिंग पोजीशंस पर आती है तो सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन और कंफ्यूजन, क्योंकि फील्ड पर प्लेयर तो 11 ही होते हैं पर फील्डिंग पोजीशंस बहुत सारी होती हैं। गली, फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट थर्डमैन जैसे कुछ शब्द हम कमेंट्री के दौरान तो बहुत सुनते हैं पर असल में हमको इनकी फील्ड पोजीशन का कोई भी आइडिया नहीं होता। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की फील्डिंग पोजीशंस के बारे में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। क्रिकेट का गोलाकार मैदान दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। राइट हैंड बैट्समैन के हिसाब से बात करें तो बैट्समैन का राइट हाफ एरिया ऑफ साइड कहलाता है और लेफ्ट हाफ एरिया ऑन साइड कहलाता है, और ये दोनों एरिया 50-50% में बटे हुए होते हैं। अगर हम फील्डिंग पोजीशंस को जानना है, समझना है, तो सबसे पहले हमें ग्राउंड को जानना होगा। क्रिकेट का ग्राउंड 8 हिस्सों में बराबर बटा हुआ होता है जिसे हम एरिया कहते हैं, जिसमें पहला एरिया थर्ड मैन एरिया कहलाता है। यह हिस्सा ग्राउंड का राइट साइड बैक एरिया होता है, एकदम स्लिप के पीछे वाला एरिया जहां अक्सर बॉलर्स को फील्डिंग पर लगाया जाता है। दूसरा एरिया का नाम है पॉइंट। यह हिस्सा बैट्समैन के राइट साइड में होता है जहां अक्सर युवराज सिंह फील्डिंग किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे कठिन फील्डिंग पोजीशन होती है। तीसरा एरिया आता है कवर्स। यहां अक्सर सचिन तेंदुलकर अपना पसंदीदा कवर ड्राइव लगाया करते थे। चौथा एरिया आता है डाउन द ग्राउंड ऑफ साइड। यह हिस्सा राइट हैंड बैट्समैन के एकदम सामने की तरफ होता है जहां वो गेंद को टहलाकर सिंगल डबल रन्स किया करते हैं। पांचवा एरिया होता है डाउन द ग्राउंड ऑन साइड। यह हिस्सा भी बैट्समैन के एकदम सामने होता है जहां आपने बड़े बड़े छक्के लगते देखे होंगे। छठवा एरिया होता है मिड विकेट। अक्सर इस एरिया में बल्लेबाज स्वीप शॉट खेलते हैं। भारत के शिखर धवन इस हिस्से में बहुत रन्स बनाते हैं। सातवां एरिया होता है स्क्वायर लेग। इस जगह पर आपने बड़े बड़े पुल शॉट्स लगते देखे होंगे क्योंकि धोनी और रोहित शर्मा जब यहाँ शॉट्स खेलते हैं तो वो देखते ही बनता है। और आखिरी में आता है फाइन लेग एरिया। यह जगह थर्ड मैन एरिया के एकदम अपोजिट और विकेट कीपर के पीछे साइड होती है। ये तो हमने ग्राउंड को समझा। अब इन 8 हिस्सों से मिलकर जो ग्राउंड बनता है उसमें फील्डिंग पोजीशन कितनी होती है और कहाँ कहाँ होती हैं वो जान लेते हैं। एक ग्राउंड पर 10 फील्डर के साथ एक विकेट कीपर होता है। विकेट कीपर हमेशा बल्लेबाजी कर रहे बैट्समैन के एकदम पीछे होता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण महेंद्र सिंह धोनी है। क्रिकेट की पोजीशन में सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग ऑन की। यह पोजीशन बल्लेबाज के सामने एकदम बाउंड्री के पास होता है। अगर बात लॉन्ग ऑफ की करें तो यह पोजीशन भी बल्लेबाज के सामने होती है, राइट हाफ साइड में। क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर भी आपने एक सर्किल देखा होगा। इस सर्किल को 30-yard सर्किल कहा जाता है जो पावर प्ले में यूज होता है, जिसके अंदर मिड ऑफ, मिड विकेट, शॉर्ट लेग, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट, गली और स्लिप मौजूद होते हैं। इनके अलावा जब बात डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप एक्स्ट्रा कवर की आए तो आप समझ जाएं कि जब भी डीप शब्द किसी फील्डिंग पोजीशन के पहले लगा हो तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि वो फील्ड पोजीशन एकदम बाउंड्रीज पर है, मतलब एकदम आखिर में। इसके अलावा स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग पोजीशन बचती है जो अक्सर आपने टेस्ट मैचेस में देखी होगी। बल्लेबाज के एकदम पास दो खिलाड़ी पैड्स और हेलमेट पहनकर खड़े रहते हैं एकदम कैच लपकने के लिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड पोजीशंस। आशा करते हैं अब आपके मन से सारी फील्डिंग कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहें जोश होश को।